I'm a cultural phenomenon. It is true. I've taught a lot of people how to kiss effectively and yeah, a couple of things about sexuality. Hi guys, I'm Hussain and I'm with Shubham and you're watching Old Famous Honest Review Specials with Imran Hashmi sir. Yes. How are you doing? I'm doing good sir. Now I'm doing fine. Great. But sir, when we are, मतलब हम जब बोल रहे हैं सर, तो हम सर दिल से मानते हैं आपको. अच्छा. मतलब I was in fourth class. मैंने आशिक बनाया अपने मर्डर गेम और तब ना टिकटॉक होता था ना कुछ होता था. क्या बात है. तब तो सब मम्मी पापा बाहर जाते थे तकिया लगा के देखते थे. लाइफ के बारे में कोई कंफ्यूजन थे नहीं जब आपने वो देख लिया फिर सब क्लियर हो गया. ठीक है, फैंटास्टिक. लोग बहुत से लोग बातें बनाते बट यू आर द ओनली वन हु इज लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम फुटपाथ. यस आई हैव देन आई गॉट जन्नत सीधा. ओह या फ्रॉम सीधा जन्नत में पहुंच गया और आजकल तो फ्रॉम फुटपाथ टू जन्नत. So talking about serial kisser, ये word कहाँ से invent हुआ? Because हम लोग by the time we were growing up, we knew Imran as a serial kisser. Yeah, तो ये actually कुल्हाड़ी मैंने खुद के पैर पे मारी है. अच्छा. तो एक बार मैं मॉरिशस गया और वहाँ पे शूटिंग चल रही थी जवानी दीवानी की शूटिंग और वहाँ पे एक गाना है जहाँ पे अगर आप दिखाएंगे वो टीजर में मैं घूमता हूँ उसमें सीरियल किसर लिखा हुआ है. At a bunch of friends जिन्होंने विजिट किया था जब मैं शूट करा था उन्होंने एक मार्केट से खरीदा था एक फ्ली मार्केट से. तो मैंने कहा कि अगर दुनिया में कोई भी आदमी है जो ये पहन सकता है वो मैं हूँ. डिजर्विंग तो आप डिजर्विंग मैं हूँ. मैंने उनकी बैग खोली वो टी शर्ट निकाला टी शर्ट पहना बीच का शॉट था और यहाँ पे कैमरा सीधा क्लोजअप पे आता है सीरियल किसर. और उसके बाद 10 साल बाद हो गए हैं अभी भी आप सीरियल किसर अभी, अभी वही बात चल रही है. काश मैंने वो टी शर्ट नहीं पहना होता. डिड यू वॉच अ फिल्म विद योर पेरेंट्स बैक देन? मेरे पेरेंट्स देखते थे. माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू बी देयर. उनको खास ये पसंद ज़्यादा था नहीं क्योंकि पुराने ख्याल के लोग थे. तुम्हें पसंद नहीं था क्या? नहीं हमें तो पसंद था. मेरी ग्रैंडमदर को भी नहीं पसंद आता था. लेकिन पुराने आई मीन एक जनरेशन गैप होता है ना. अगर घर पे हमने कभी बैठ के मेरी फिल्में नहीं देखी हैं प्रीव्यू थिएटर में देखी और हाँ चैनल चेंज हो जाता है. तो आई थिंक किसी ने घर पे बैठ के आपकी फिल्में नहीं देखी एक्सेप्ट व्हेन दे आर होम अलोन. ऑफ कोर्स. एक तो आपने जैसे सीक्वल्स बात करे जी तो आसानी रहती होगी ना. मतलब ये तो पहले किया ही बहुत आसानी. राज राज रीबूट जन्नत कुछ फिल्में किचन चलाने के लिए होती हैं जहां पे आई नो व्हिच वन इज दैट गुड बॉय बैड बॉय. गुड बॉय बैड बॉय से तो वो तो ऐसी फिल्म थी कि किचन हमेशा के लिए बंद हो जाए. वो शुरुआत हुई थी एज अ कॉमेडी एंड में वो हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी. बट ऐसे कि आपने बायोपिक करी टेक्निकली दो बायोपिक करी जी. ट्रेलर में जो आपकी वॉक थी आई लाइक दैट वॉक वॉज लिटरली असर. एंड देन यू इन अ वे डिड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जो कि ऑलमोस्ट एक बायोपिक. नाम मत लेना, नाम मत लेना. हमें नहीं पता ही नहीं सर. गोली चल जाएगी. किसकी सर? किसका नाम? स्मार्ट बॉय. किसका नाम कौन? करेक्ट करेक्ट. अच्छा 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 अजय देवगन सर. बट डिस्पाइट डूइंग फिल्म्स लाइक शंघाई डिस्पाइट डूइंग फिल्म्स लाइक घन चक्कर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई इजंट दैट इरिटेटिंग अ लिटिल बिट कि लाइक मतलब मैं क्या क्या मैंने दांत तक पीले कर लिए आपने शंघाई में. वेरी इरिटेटिंग. तब तो आपको कोई किस नहीं करता. नहीं आई थिंक इट्स अ नेशन दैट्स ऑब्सेस्ड विद किसिंग एंड सेक्सुअलिटी. जब तक ये जनरेशन बुढ़ी नहीं होगी ना हम नहीं भूलने वाले. आई बिलीव कि एज एन एक्टर हमें अलग अलग किरदार निभाने चाहिए. वैसी फिल्म आएगी वैसी जैसी इरोटिक थ्रिलर फिर से आ गई तो वो भी करूंगा. राज नहीं करूंगा. आई थिंक वो हो चुका है उसका मामला पैकअप हो चुका है. आई एम अ कल्चरल फिनोमेनन. It is true. I've taught a lot of people how to kiss effectively and yeah, a couple of things about sexuality. I'm not one of them, but I'm sure you. I know you won't claim it. You know from inside. Not in front of you. You know the truth from inside. छुपके तो most probably हमारे पापा लोगों ने भी देखी होगी. एक दिन मेरी pen drive गायब थी drawer से. वे अच्छा kissing ऐसी होती है? हाँ. नहीं. ठीक है मैं तो गलत कर रहा था इतने सालों से. नहीं तो my when murder came out उसमें गाना आया था भीगे होंठ तेरे. And वो गाना जब भी बजता था मेरी मम्मी मुझे डांट देती थी. बाद में फिगर्ड आउट कि मम्मी को पता कैसे चला कि इसमें क्या है. हां आई एम श्योर शी वुड हैव सीन. फीमेल पॉपुलेशन उस वक्त आल्सो वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग आउट सीइंग इरोटिक फिल्म्स लाइक दिस इरोटिक थ्रिलर्स. और यार मेरे ख्याल से मर्द पहले देख आए होंगे कि ले जाए ना ले जाए. हां करेक्ट. फिर वो देख कर आएंगे ना भगवान चलो ऐसा कुछ नहीं है. मुझे पता चल गया कि ऑडियंस कैसे फील करती है. जैसे तुम मिले फिल्म में एक्ट्रेस बैठी है और वो प्रीलूड है ऑडियंस को पता है कि कुछ होने वाला है एक इमरान हाशमी सीन होने वाला है.
और इमरान हाशमी हम लोग करीब आते हैं और फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ नहीं और मैं निकल जाता हूँ और पूरे स्टॉल में वहाँ पे गेटी में और मेरे दोस्त बैठे थे वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स जी सेड ये क्या इमरान बीमार हो गया है क्या बट हाउ डिड बार्ड ऑफ ब्लड हैपन इट्स 7 एपिसोड्स हर एपिसोड की लेंथ 45 मिनट्स की है एंड देयर इज नॉट अ सिंगल किस नो अनफॉर्चूनेटली लोग पैसे वापस गाने नहीं किस नहीं अनफॉर्चूनेटली एजेंट शोज एंड मूवीज कमिंग दीस इज हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान में ज्यादा एजेंट या स्पाई की फिल्में बनी नहीं है अगर आप हॉलीवुड की फिल्में उठा के देख लो तो वहाँ पे बॉन्ड सीरीज जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल लेकिन यहाँ पे आप एक हाथ पे गिन सकते हो मुझे तो सिर्फ दो फिल्में याद हैं हाँ वो टू एक्सटेंड बट इट्स मोर एक्शन वो एक आदमी वहाँ पे कुछ 100 लोग हैं और वो मर भी नहीं रहा है तो सलमान भाई लेकिन यहाँ मैं 7 या 8 लोगों को पीट रहा हूँ लेकिन सिर्फ 7-8 लोग हैं और लेकिन जिस तरह उन्होंने शूट किया है इट्स वेरी बिलीवेबल क्योंकि एक शॉट में लिया है स्कॉर्पियो से उधर के मारा आपने किसी को स्कॉर्पियो से उधर के मारा आई डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिक फिर बोलेंगे लॉग स्टॉल से इमरान बीमार है क्या स्पाई की जो दुनिया है हमें बहुत फैसिनेट करती है क्योंकि इट्स नॉट इन योर फेस क्योंकि हमें पास ज्यादा पता नहीं है सीआईडी देखा सीआईडी तो स्पाई है नहीं कुछ और है बचपन से दिखाया तो वही है 30 मिली ड्रॉपर डाल के सब कर देते हैं ये इसके फिंगर अभी कितने साल हो गए सीआईडी के 30 साल हो गए होंगे अब तो बंद कर दिया उन्होंने नहीं बंद नहीं हुआ बंद हो गया बंद हो गया केबीसी के लिए पैसा चाहिए ना अभी तो मैं 3 साल पहले बट उसमें तो सिंपल होता है मतलब कोई स्पाई कितना वो सालों के चकता है सो दिस इज माई न्यू शो बार्ड ऑफ ब्लड नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हो रहा है ये एक 7 एपिसोड सीरीज है और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो पासवर्ड दे दो प्लीज पासवर्ड नहीं खुद खरीदो हमारी तो दोस्त डाउनलोड नहीं 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 चिंदी पाना मत करना डाउनलोड करके खरीदना और आई थिंक 199 है पर मंथ सो सब्सक्राइब होप यू लाइक दिस वीडियो दिस इज 3 ऑफ अस ऑन ऑनेस्ट रिव्यू स्पेशल्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू men's xp.com यस Sir has been on our cover.